सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश दुबे और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आईपीएल मैच चल रहा है, आपका स्पोर्ट्स का कोई इवेंट चल रहा है जो कि लाइव दिखाया जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट करा जा रहा है, तो टेलीकास्ट किस तरीके से की जाती है, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है तो उसमें एडिटिंग भी होता है, क्योंकि कोई बॉलर फुटबॉल को किक मार रहा है, कोई बैट्समैन कोई बॉल को हिट कर रहा है, तो उसके बाद जो सिक्स पे गिर रही है उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है और सब कुछ लाइव चल रहा है और सब कुछ साइमल्टेनियसली कैसे ऑपरेट किया जाता है, एक ही टाइम पे इतने सारे कैमरे को कैसे ऑपरेट करते हैं, तो उसके पीछे के सिस्टम का राज क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली दोस्तों, इसमें तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो ब्रॉडकास्टिंग पैनल, ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा कि आपके पास जरूरत रहता है आपके पास स्विचर बोर्ड, कैमरा मल्टी कैमरा स्विचर बोर्ड जो कि आपके मल्टीपल कैमरा को स्विच कर सके, और थर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैसे कि जैसे कि आपके Adobe Premiere Pro हो सकता है, आपका Final Cut Pro हो, Wayomi हो, बहुत सारे ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर तीन पैनल यूज करे जाते हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पर भी काम करते हैं अपने आप में भी, और साथ ही साथ ही तीनों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके आप कैमरास को मल्टी कैमरा तो स्विच कर सकते हो, पर आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके इतने बड़े इवेंट को हैंडल नहीं कर सकते, तो उसके लिए मल्टी स्विचर बोर्ड होता है जहां पर मल्टीपल कैमरास को स्विच करा जाता है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स सारे इवेंट में बहुत सारे अलग अलग जगह पे कैमरा इंस्टॉल होता है, तो उसको सॉफ्टवेयर पे एक ही जगह से कंट्रोल किया जाता है जो कि वो एडिटिंग का पार्ट होता है, और वो कैमरे कंट्रोल करने के लिए कैमरे के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं। और जैसा कि आपने लाइव में देख रहे होते हो कि स्कोर भी अपडेट हो रहा है, तो जो स्कोर अपडेट होता है वहां पर टाइमिंग के साथ कि आपका अभी सिक्स गया है तो सिक्स, या फिर इसका विकेट चला गया है, ये आउट हो गया है, और सारे के सारे आपको लाइव दिख रहे होते हैं और वहां पर स्कोर भी अपडेट हो रहा होता है, तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर आता है जैसे कि OBS करके होता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। आपका कैमरा कनेक्ट है आपके लाइव स्ट्रीमर से भी, आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से भी, तो आपका जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो थोड़ा सा स्क्रीन रहता है जहां पर आपकी स्क्रीन पे वीडियो एडिट हो रहा होता है, जो दिख रहा होता है, जो आउटपुट नजर आता है, तो उस आउटपुट पे आपका लाइव स्ट्रीमर को लोग जूम करके उतना सिलेक्ट करते हैं पार्ट, और जो लाइव स्ट्रीमर है आपका वो सिर्फ उतने ही पार्ट को दिखा रहा होता है जो कि एडिटिंग हो चुकी है, और उसको लोग लाइव वीडियो चल भी रहा है क्योंकि कैमरे से भी कनेक्टेड है, तो आपका लाइव कैमरा भी चल रहा है आपका, वो भी आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, और साथ ही साथ एक दूसरे से सब कुछ सपोर्ट हो रहा है। तो ऐसे ही सारे एडिटिंग और सारे ही मल्टीपल ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। तो एडिटिंग के लिए आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, आपको पता ही होगा Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro और Vimeo, और ऐसे बहुत सारी वीडियो मिक्स करके ऐसे बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर होती है जो आप यूज कर सकते हो, DaVinci है। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर की बात करो तो OBS करके ओपन सोर्स ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री होता है, अगर आप भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ UBNet करके होता है, Airmint होता है, MUVI होता है, या फिर आप लाइव स्ट्रीमर होता है, रिस्ट स्ट्रीमर होता है, और प्रोपोनेट करके ऐसे बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो तीनों को सपोर्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बैकएंड का सिस्टम काम करता है जो कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाती है, जिस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग करी जाती है, आईपीएल मैच के बारे में बोल लो या फिर किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बात कर लो। आई होप आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सारे सिस्टम्स काम करते हैं, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।